नमस्कार, केटीएन न्यूज में आपका स्वागत है। अहमदाबाद स्वास्थ्य केंद्र की ओर से एक दिवसीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि अहमदाबाद प्रखंड अंतर्गत बेरिया पंचायत के पंचायत भवन में आज आजादी अमृत महोत्सव के तहत एक दिवसीय मेले का अहमदाबाद स्वास्थ्य केंद्र की ओर से आयोजन किया गया, जिसमें बेरिया पंचायत के मुखिया मुन्नी खातून के द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस स्वास्थ्य मेले में अहमदाबाद स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी मनोज कुमार ने केटीएन न्यूज को बताया कि यह एक दिवसीय स्वास्थ्य मेला का आयोजन है, जिसमें मुख्य रूप से बीएमसी यूनिसेफ नवीन कुमार गौतम का सक्रिय योगदान रहा और साथ ही पंचायत के लाभकों द्वारा मेले का भरपूर रूप से लाभ लिया गया और लोगों को इस शिविर से उम्मीद भी है कि उन्हें काफी लाभ मिलेगा, जिससे लोगों की परेशानियों से भी उनका बचाव होगा। इस मेले में मुफ्त इलाज, मुफ्त दवाई, हेल्थ कार्ड, प्रसव जांच और सभी प्रकार के इलाज का प्रबंध किया गया है। राज बेरिया के अंतर्गत स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें अनेकों प्रकार की बीमारी की जांच हो रही है और पीएमसीएच अहमदाबाद के द्वारा जांच कर दवाई दी जा रही है। इससे जितने भी पीड़ित परिवार हैं उनको स्वास्थ्य मेला में लाभ मिल रहा है। जो आयुष्मान कार्ड जिसका नहीं है वो भी पंजीयन करा रहे हैं, जिसको पूर्व में बना हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, इससे पंचायत को बहुत लाभ हो रही है। ग्राम पंचायत राजबेरिया शिविर में जो फैसिलिटी दी गई है, फैसिलिटी से संतुष्ट हैं? बिल्कुल, पंचायत का पब्लिक बिल्कुल खुश है इस शिविर से, स्वास्थ्य मेला से। ये सरकार के द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 16 से 22 तक पूरे भारत में मेला लग रही है, जिसमें हर प्रखंड में मेला लगाना है, जो आज हमारे प्रखंड अहमदाबाद में 19 तारीख को लगाई जा रही है। इसमें सरकार द्वारा फ्री सेवा में जितनी व्यवस्थाएं हैं वो सारी व्यवस्थाओं का लाभ लोगों को, लाभार्थी को दिया जा रहा है, जैसे मेडिकल हेल्थ चेकअप, सबसे ज़्यादा आयुष्मान भारत आयुष्मान कार्ड, जिससे 5 लाख तक के बीमाओं का लाभ होते गरीबों का, जिनका नाम है उनका कार्ड बनना प्राथमिकता में, कुष्ठ रोगी के मरीजों के लिए, टीबी के मरीजों का लाभ, प्रसव पूर्व जांच की सुविधा, रक्तचाप की सुविधा, ब्लड शुगर के जांच की सुविधा और साथ में टीकाकरण है, बच्चों का टीकाकरण, कोविड टीकाकरण, एंटीजन टेस्ट और उसके बाद है कि ब्लड डोनेशन, अंग दान, ये सारी सुविधाओं के बारे में उनमें कुछ चीज़ें जो यहाँ फैसिलिटी नहीं है तो उनके बारे में जानकारी दी जा रही है। अंग दान क्या करेंगे, अंग दान, ब्लड दान जो कि अंग दान महादान जो कहा जाता है, तो वो देने से आपको क्या लाभ होगा और आपके द्वारा जो दिया गया आपका अंग या ब्लड वो दूसरे को क्या लाभ होगा, ये चीज़ों का सारे मतलब इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है। बाकी स्वास्थ्य की जितनी सेवाएं हैं वो सारी चीज़ें जो 15 से 16 काउंटर लगी हुई है, उस काउंटर में हम लोग, हमारे सारे स्वास्थ्य वर्कर टीम मिल करके यहाँ के जनता को सुविधाएं देने का हम कोशिश कर रहे हैं। नहीं, हर एक पंचायत में नहीं, 16 से 22 लगनी है तो किसी एक पंचायत में लगानी है, प्रखंड का एक जगह लगाना, प्रखंड में एक मेला लगनी है जो कि हमारे प्रखंड में आज लगाई गई है।